कदी हो नहीं सकती खत्म, किताब नू मैं छेती नहीं खोलना, मोही जा तू आवेगा मैं जोड़ के नहीं बोलना, होटा दी किताब नू मैं छेती नहीं खोलना, हसांगी फेर वार वार मिंता करावांगा हजार खुशियां दिवस की बुहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अहले पाकिस्तान, जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ है हमारे साथ साथ हैं, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को जीशान नासिर कहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोधा साईवाल AJK मरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका FM 101 चैनल पाकिस्तान ट्यूनिंग करने के लिए, साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो तमाम चीजें जो कि आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जैसा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे लाइव देखना चाहते हैं, आज लाइव जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, आज लाइव जाएंगे, मूड हुआ तो अभी तक मूड है, आगे मूड रहता है या नहीं रहता तुम लोगों पर डिपेंड करता है। बार कैप जनाब, 13 दिसंबर 2021 आज का दिन, अल्लाह भाई जान हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे, मिट्टी ना फ्रोल फरीदा यार गवाचे नहीं लब दे। बार कैप जनाब, उस्ताद ने कहा था द शो मस्ट गो ऑन। तारीख 13 दिसंबर 2021 शुरू हो चुकी है, 12:14:53 इस वक्त स्टूडियोज में लगी घड़ी के मुताबिक। आई डू होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, आबाद हैं। अच्छा एक बड़े मजे की बात मेरे जहन में आ रही थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि बा खुदा स्टूडियो पहुंचने तक, गाड़ी को लॉक करने तक, गाड़ी से उतर के स्टूडियोज में आने तक, स्टूडियो जरीना में दाखिल होने तक, प्रोडक्शन रूम में दाखिल होने तक, फिर इस कुर्सी तक पहुंचने तक, हेडफोन पहनने तक, अपनी घड़ी उतारने तक, जूते उतारने तक, कफों को ऊपर करने तक, हत्ता के फेडर ऊपर करने तक भी मुझे नहीं पता होता कि आज हमने क्या करना है। और उसके बाद जो होता है समटाइम, चूंकि आप लोग रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं तो मैं समटाइम अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता हूँ, तारीफ सिर्फ उस खुदा की है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी कोई तैयारी के साथ कोई चीज हुई है,
So, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता. हैरान इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मैं करता नहीं हूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको कभी फखर या गरूर होता है, तो वो नहीं होता है. क्योंकि गरूर मैं डेफिनेटली उस चीज पे करूंगा जो मेरी अपनी हो. और कभी कभी जो आप अल्फाज में, लहजे में फखर देखते हैं या आप उसको गरूर कह सकते हैं, तो वो गरूर नहीं है, वो फखर है. वो फखर इसलिए है क्योंकि हाँ, एक चीज मेरी है, इश्क. बार कैब जनाब, अब मैं जुमले आपके सामने रखूंगा और चेहरे देखूंगा. शुरू करते हैं जिसके लिए हम आए हैं. आप किसी भी जी शऊर आदमी के पास बैठ जाएं जो कि थोड़ा सा इल्म रखता हो या किसी भी मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखता हो, उसे पूछें कि जनाब सजदा करने की बेहतरीन जगह कौन सी है, तो वो आपसे कहेगा कि अहदीस के मुताबिक, जो हमारे पास रिवायात पहुंची हैं उनके मुताबिक, सजदा करने की जो बेहतरीन जगह है वो खाक है, वो मट्टी है. ठीक हो गया. तो फिर जब आप उनसे पूछें कि जनाब बेहतरीन खाक कौन सी हो सकती है, तो वो कहते हैं डेफिनेटली खाक शिफा हो सकती है, क्योंकि उसमें सबसे बेहतरीन खाक तो वही है ना, उससे बेहतर तो खाक हो नहीं सकती. तो फिर जब आप उनसे सवाल करते हैं कि खाक पर ही सजदा करना है और आप कह रहे हैं कि खाक शिफा बेहतरीन खाक हो सकती है, तो फिर ये बताएं कि खाक शिफा में और आम खाक में क्या फर्क है. मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ, आप किस तरह से सुन रहे हैं. बात समझ में आ जाए, दिल तक पहुँच जाए, हाथ फजा में बुलंद हो जाए, उन्हीं बुलंद हुए हाथों से दुआ कर लीजिए. बात समझ में आ जाए, हाथ बुलंद ना हो सके, वही हाथ दिल पर रखें, चेक करें दिल पत्थर का तो नहीं. बार कैफ, आप उनसे सवाल करेंगे क्या फर्क है, खाक पर ही सजदा करना है, तो फिर कोई भी खाक हो, खाक की शिफा ही क्यों आपके लिए इतनी अहमियत की आमिल है. तो किसी भी सोच के साथ ताल्लुक रखता हो, दिल पर अगर पहरा ना हुआ किसी गर्ज का, क्योंकि समटाइम गर्ज इंसान को बहुत मजबूर कर देती है, लाचार कर देती है. क्योंकि गर्ज ऐसी चीज है जो आपके अंदर ख्वाहिशात को ना सिर्फ जन्म देती है बल्कि फिर उनको परवान भी चढ़ाती है. फिर उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए, या जो आप खुद भी समझते हैं कि आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन आप करते हैं. बार कैफ, अगर दिल पे ख्वाहिशात का या मजबूरी का पहरा ना हुआ, तो आपसे कहेगा कि बेवकूफ, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है. और वो फर्क ये है कि खाके शिफा में हुसैन का खून है, खाके शिफा में हुसैन का खून है. अलैहिस्सलाम. ये तो बात अभी शुरू की मैंने, अब जुमले एक एक करके आपके सामने खोलता जाऊंगा और आप इश्क की मंजिलें तय करते जाइएगा. आपकी जाने मुड़ मुड़ कर देखूंगा जरूर, इसलिए सिर्फ इसलिए कि बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, आप मेरे साथ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद. तो आप उनसे कहें कि आप उनसे कहें कि क्या फर्क है, तो वो कहेंगे कि बेवकूफ इतना बड़ा फर्क है, दूसरी खाक एक आम खाक है और ये जो खाक है इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम का खून शामिल है, इसमें हुसैन का खून है. तो फिर मैं सवाल ये ना करूं, तो फिर ये तो बता कि हुसैन में किसका खून है. कलंदर मस्त, एक विर्द हदम दम अली अली हैदरी अंकल.
सिकंदरम मस्तम बंदाय मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यजदानम बादे अजली मंदान इस्तम अली वलीउल्लाह अज अजल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम हैदरियाम 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 सेवन दा सरदार कर बेड़ा ए बस लाल कलंदर मैंने इतना सुनाया आपने इतना सुना है ना सवाल मुकम्मल हुआ है ना जवाब आया है ये तो सवाल का एक हिस्सा है ये हुसैन में फिर किसका खून है जवाब यकीनन ना अली अलैहिस्सलाम तो फिर अगला सवाल ये है कि अली में किसका खून है हम सब पर है एहसान हाय 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 सूरज पलटा दे दूर पे हक का जलवा दिखा दे तू जाली चुमके ते हाजी बन जावे ओन वाले बना बना खिलांदा रवे तू शक करे से तू जिला दे दस्त खुदा है सूरज पलटा दे दस्त खुदा है सूरज पलटा दे दूर पे हक का जलवा दिखा दे तू जिसे चाहे तू जिसे चाहे शाहबाज बना दे धमाल में लाल यही कहता है धमाल में लाल यही ऊंचे गली के सारे गली के सारे मुहिब दुश्मन अली के पस्त पस्त बनते हैं तेरे बेजर को तू कर दे अबूजर ओनली इफ यू नो ओनली इफ यू नो दर पे मुकद्दर बेजर को तू कर दे अबूजर हाँ बेजर को तू कर दे अबूजर बूंद जो मांगे पाए समंदर गदा है बांटते हैं आए हाय आए हाय जो तेरे गदा हैं बांटते हैं बेजर को तू जो तेरे गदा हैं वो बांटते हैं बूंद जो मांगे जो तेरे नहीं वो रहते हैं हमेशा तंग दस्त जाए तवंगा खाली जो तेरे गदा हैं बांटते हैं गदा है बांटते हैं है दूर तेरी दहलीज से जो है दूर तेरी दहलीज से जो कहते हैं हमेशा तंग दस्त नाम अली है तूफान में किनारा जिक्र अली है पुकारा सम की जमा पर है एक ही नारा कट कर भी जमा पर अली 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 कट कर
सर भी जमा पर अली अली वाबस्ता अली के नाम से है। आशिके हैदर होने की सजा दो मुझे, पुकारा मेरे टुकड़े करो फिर जला दो मुझे, आशिके हैदर होने की सजा दो मुझे, मेरे टुकड़े करो फिर जला दो मुझे। नाम अली है तू, लाली मुलाई का वादा है ये, दस्त रोजे तलक सुबह महशर तलक, दवंग जहाँ जहाँ वो हवा जाएगी, याली याली की सदा आएगी। बेजर को तू कर दे अबू जर, हाँ बेजर को तू कर दे अबू जर, बूंद जो मांगे आए समंदर, जो तेरे गदा है बांटते हैं, बांटते हैं, बांटते हैं, हाँ जो तेरे गदा है बांटते हैं। है दूर तेरी दहलीज से जो, है दूर तेरी दहलीज से जो, कहते हैं हमेशा तंग दस्त, मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम, मस्त कलंदर, जो तेरे गदा हैं वो बांटते हैं। यहाँ पे राज की बात है, बांटते हैं, है दूर तेरी। तूने अपनी रोटी से आधी रोटी तोड़ के दे दी, तूने क्या कमाल किया, तुझे तो अल्लाह ने दी थी, तूने तो अल्लाह के दिए में से दे दिया। अब यहाँ पर राज की बात है, ये वो मकाम है जहाँ पर मुनाफिक की और आशिक की पहचान हो जाती है। बात बारीक है अगर ना समझना चाहें, बात बहुत वाजिया है अगर समझना चाहें। शायर कहता है कि यहाँ पर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। यहाँ पर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। अगर आप बात समझे तो बहुत आसान है, ना समझे तो फिर इससे आराध भी कम है, इससे आराध भी आपके सियाह बख्त को हरा नहीं कर सकती। बार कैफ जनाब, आपने एक रोटी से आधी रोटी दे दी किसी को, ये आपने क्या कमाल किया, तो आपने अल्लाह के दिए में से दिया है। या तूने कुछ ऐसा किया कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरी रोटी बंद हो जाती जाहिरी तौर पर, क्या मकाम आने पर तूने वो बात कही, शाहबाज बना दे, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, आप कहाँ तक सुनेंगे। तूने अपनी रोटी में से दे दिया, ये तो अल्लाह ने तुझे दी थी, तूने अल्लाह की दी में से दी, तूने क्या कमाल किया। लेकिन वक्त आने पर तूने उस आधी रोटी की फिक्र की, या ये कहा कि जब मैं दे देता था, जबकि मेरी देने की औकात नहीं थी, जो पूरी दुनिया को दे रहा है वो मुझे छोड़ कैसे सकता है। इससे आगे ना मैं सुना सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। दुश्मन है अली के पस्त पस्त, मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम, मस्त कलंदर, मस्त बनते हैं तेरे दर पे मुकद्दर, बेजर को तू कर दे अबू जर, हाँ बेजर को तू कर दे अबू जर, जो मांगे आए समंदर, आए कारी जाए तवंगर, जो तेरे गदा है बांटते हैं, हाँ जो तेरे गदा है बांटते हैं। है दूर तेरी दहलीज से जो, है दूर तेरी दहलीज से जो, कहते हैं हमेशा तंग दस्त, मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम, मस्त कलंदर, मस्त। जनाब
बिल्कुल आप मुझे लाइव कॉल्स कर सकते हैं। चंद लम्हात के लिए लाइव कॉल्स का सिलसिला हम जारी करेंगे 0519202540051111001 ये आपके मेरे रابطे का नंबर रहेगा। उसके अलावा अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस, मैसेज सेंड करेंगे उसको 4471 पर, यानी कि 4471 के ऊपर आप जाकर मुझे आप सेंड करेंगे मैसेज 101 स्पेस मैसेज और उसको सेंड करेंगे आप 4471 पर। मनाल खान फ्रॉम लाहौर, हे मे आई ज्वाइन योर शो, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कैन आई ज्वाइन यू इन सफरेश्क, आई वांट टू गो इन सफरेश्क अंडर योर गाइडेंस अंडर योर कंपनी ड्यूरिंग सफरेश्क, आई वांट टू सी योर इश्क, आई वांट टू ट्रेवल विद यू, कैन यू प्लीज, इज इट पॉसिबल सीरियसली ड्यूरिंग सफरेश्क, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आई जस्ट वांट टू फील योर इश्क, मे बी अंडर योर कंपनी आई विल कैच लाइट फ्रॉम यू, कैन यू, आई एम स्टूडेंट ऑफ I'm Phil in American, but side by side I want to know about Ishq and the religion. So that's why I want your guidance in your safre Ishq. It's humble request. Thanks. Allah will give you reward. One thing more, please give me the new name, like one murshid give one name to an other student. हमारा पैगाम मोहब्बत है, हमारा पैगाम अमन है, यहाँ पर किसी चीज की कोई कैद नहीं है, हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। विर्द कलंदर अली अली, इश्क का महवर अली अली, मजा केड़े पासे होना तालिब अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, हसनैन का बाबा हाय सदके, जहरा का शौहर बिस्मिल्लाह अली अली, सिमटे तो कुरान अली अली, पहले तो समंदर अली अली, फिर दौस का मालिक अली अली, साथी ये कौसर अली अली, सलमान का आका अली अली, मिकदार का रहवर अली अली, अंबर का निगहबान अली अली, मौला अबू ज़र अली अली, कैफ मालिक। बाकी आपकी तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए तो मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। आपने नाम का पूछा है तो मैं नहीं है खुदा से दुआ करूंगा कि इस नाम की निस्बत से जो रोशनी आप चाहती हैं वो आपको मिल जाए। नहीं है आप चाहें तो अपने आप को आज से तहीरे जैनब के नाम से बुला सकती हैं। अल्लाह ताला आपको इस नाम की निस्बत से वो तमाम तर बरकतें अता करे जो कि आप चाहती हैं। नहीं है पैद कोई पाक आर्मी से चांडियो मकली ठट्ठा में मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। दिशान भाई जिंदाबाद, क्या कहने, जियो दुआ। मलिक मेहरान खान फ्रॉम चकवाल, किरण राहिल हमारे साथ हैं, हाजरा अली फ्रॉम हरिपुर, साजिदा मुल्तान से, भाई प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरा एक मसला है। चौदह सौ नब्बे बाय 2019 रोल नंबर है, क्लास 9 का मेरा रिजल्ट नेट पे शो नहीं हो रहा। वजह यह है कि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, मेरे अब्बू की वफात के बाद हम मुल्तान आ गए थे, अब पेशावर रिजल्ट लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि मेरे पापा नहीं है, प्लीज कोई तरीका बताएं कि मेरी उम्मीद ना टूटे। नहीं, आप क्या चाह रही हैं कि आपका रिजल्ट मैं अभी इंटरनेट से पता करूं? आपके पास इंटरनेट नहीं है तो मैं इंटरनेट से पता कर देता हूं, मुझे बता दें कि कौन सी वेबसाइट है, मैं पता करके आपको बता देता हूं, लेकिन अगर कहीं फेल हो गई हुई तो फिर क्या करेंगे, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है इस वक्त। मरियम फ्रॉम एप्टापाद, हाउ आर यू ज़िशान, राहिला चौधरी इज देयर, किरण राहिल इज देयर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ला रेप फ्रॉम कलर सईदा, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई। अब्दुल गफ्फार सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं, सर जी हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। पाक आर्मी से मुल्तान कैंट से इरफान फ्रॉम जानानिया, शमसा फ्रॉम इस्लामाबाद, सर आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और ना सिर्फ सीखा है कि मैंने उस पर अमल भी किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ सीख लेना बड़ी बात नहीं है। द्वार रावलपिंडी से, कहां मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका, देखा यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा।
बात यह है कि खुदा जाने किस रूप में किस जगह किस मकाम पर आपको नजर आ जाए ये पता नहीं है। जब से सुना है कि यार लिबास से बशर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। इश्क फकत इमाम अली अलैहिस्सलाम। वर्द कलंदर अली अली, इश्क का महवर अली अली, खूने अबू तालिब अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, जहरा का शौहर अली अली, सिमटे तो कुर्रा अली अली, पहले तो समंदर अली अली, फिर दौस का मालिक अली अली, साथी ये कौसर अली अली, सलमान का मिलके अली अली, मितबात का रहवर अली अली, अंबर का निगहवान अली अली, मौला अबू ज़र अली अली, मीसम का सलमान अली अली, कहे मालिक अश्कर अली अली, तू फातह खैबर अली अली, तू कातिल अंदर अली अली, तेरा जिक्र फलक पर अली अली, तेरा नूर जमीन पर अली अली, तेरी आल सलाम अली अली। अस्सलाम वालेकुम, आपको पहली बार सुन रहा हूँ, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अख्तर नकवी फ्रॉम तलागंग, अस्सलाम वालेकुम आरजे ईशान, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, यू विश बर्थडे टू माय कजन बिलाल, यू प्ले सॉन्ग इब्रान नजफ फ्रॉम मायाल। भाई जान, आई एम सना खान फ्रॉम पेशावर, दिस इज माय फर्स्ट एसएमएस, सलाम टू पाकिस्तान। गजनफर अब्बास फ्रॉम मेलसी विहाड़ी, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, फ्रेश हो गया हूँ मैं मौला का नाम सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, तेरा जिक्र फलक पर, तेरा नूर जमीन पर, ये कौसर सलमान का आका, का रहवर अंबर का निगहवान अली अली, मौला अबू ज़र अली अली, मीसम का सलमान अली अली, कहे मालिक अश्कर अली अली, तू फातह खैबर अली अली, तू कातिल अंदर अली अली, तेरा जिक्र। मैं चंद दिन पहले कहीं पर मौजूद था तो कहीं पर कुछ जिक्र हुआ अली अली, सिमटे तो कुर्रा तो खैर एक मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, मौजू आले बैस से रिलेटेड था, मैंने वहाँ पर अपना टेक दिया। तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ज़ीशान आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें इंसान को नहीं कहनी चाहिए, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उनको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। आपके पास करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, तो हर इंसान उसी मौजू पर बात करता है जिसे वो अहम समझता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये सबकी पर्सनल चॉइस है। मैं तो एहतराम करता हूँ सबकी पर्सनल चॉइस का। वो दो मिनट तो उनको समझ नहीं आई कि मैंने कहा क्या, ये उन्होंने सुना क्या। मैंने कहा कि हर इंसान, आप भी इतने बड़े स्पीकर हैं माशाल्लाह, आप भी यही जानते हैं कि हर इंसान उसी मौजू पर गुफ्तगू करता है जिसे वो अहम समझता है। अब आप जिसको अहम समझते हैं आप जाने, मैं जिसको अहम समझता हूँ मैं जानू। याद रखिएगा, मैं अहम समझूं ना समझूं उनको, बाखुदा फर्क नहीं पड़ता। ये ना हो कि मकामे महशर में वो मुझे कुछ ना समझे। एक जुमला कहकर आपके चेहरे देखूंगा, आपको खौफ है कि मैजान में क्या होगा, आपको खौफ है कि मैजान में क्या होगा, अगर मैजान ही वो हुआ। वर्द कलंदर अली अली, इश्क का महवर अली अली, खूने अबू तालिब अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, जहरा का शौहर अली अली, सिमटे तो कुर्रा अली अली, पहले तो समंदर अली अली, फिर दौस का मालिक अली अली, साथी ये कौसर अली अली, सलमान का आका अली अली, मितबात का रहवर अली अली, अंबर का निगहवान अली अली, मौला अबू ज़र अली अली, मीसम का सलमान अली अली, कहे मालिक अश्कर अली अली, तू फातह खैबर अली अली, तू कातिल अंदर अली अली, तेरा जिक्र फलक
चलें जनाब, अब आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं 051-920-2540-051-111-000-101। इसके ऊपर आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और आपके लिए जो मजेदार न्यूज है वो ये है कि अब से चंद लम्हात के बाद आप मुझे लाइव देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये अगर खड़ा हो जाता है तो, क्योंकि ये सेल फोन अगर गिर गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। ओके नहीं गिरेगा, नहीं बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं ज्वाइन किया और करना चाहते हैं, बिल्कुल छोटा सा हम जो है वो लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि बैटरी ऑलमोस्ट कुछ 6-7% के ऊपर है। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं ज्वाइन किया और करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरा रियल वाला इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, जीशान नासिर 26। इस गाने के दौरान ही मैं लाइव सेशन करूंगा और लाइव सेशन करके वापस आ जाऊंगा। जिशान ना से लिखेंगे आपको मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। ओ मेरा हाथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो। ओ मेरा हाथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो। ओ अख फड़क दे क्यों है जिन तड़क दे क्यों है दिल वाले कुंडी दस खड़क दे क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आन वाला। मेरा हाथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो। बिल्कुल जनाब, मेरा हाथ ते वेख वे रमलिया, और इस वक्त मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनते सुनते आप मुझे देख भी सकते हैं। यू हैव अ चांस राइट नाउ। आई थिंक 1-8 साल बाद हम जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त हम लाइव हैं, आप मुझे रेडियो पर सुन तो रहे हैं, उसके साथ साथ आप मुझे देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इस वक्त मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव हूं। जिशान नासिर लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पर हम गपशप भी कर सकते हैं। और मीनवाइल आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वो भी मैं वहां से शामिल करूंगा। लेट्स सी हु वी हैव विद अस ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ओ 02221 0519025400 तुम लोगों के लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। अगर कॉल करना चाहो 051-111-000-101। उसके अलावा मैसेज करना चाहो तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाओगे, वहां पर लिखोगे काश यार मेरे पास कोई ग्लास ग्लास होता, मैं इसको यहां पर टिका सकता, क्योंकि मुझे बड़ा जो है वो मसला। यस ओ ये फिट सीन हो गया यार, रियली नाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मरियम मुकद्दस कह रही हैं, उनके साथ साथ अक्सा खान कह रही है माशाल्लाह। उसके साथ साथ कौन है हमारे साथ, जो जो लोग हैं, नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू जी, थैंक यू सारा लीजई, माहीन मलिक इज देयर, हमना साजिद इज देयर, रुबाब मलिक इज देयर। अच्छा बड़े तादाद में लोग देख रहे हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि एकदम इतने लोग जो है वो फॉलो कर लेंगे। यहाँ आवाज़ नहीं आएगी क्या, आवाज़ नहीं आ रही तुम लोगों को, इंस्टाग्राम वालों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, ज़रा मुझे बताना, देन फिर उसके बाद जो है वो बाकी मामलात कर लेते हैं। माहीन वाली कह रही हैं सेल्फी स्टिक नहीं है, नहीं मुझे पता नहीं था कि आज हम जो है वो अचानक लाइव आ जाएंगे, वो तो मैं वैसे ही यहाँ पर आया तो मैंने कहा यार चलो लाइव कर लेते हैं थोड़ा सा। और अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके कोट का रंग येलो है, नहीं येलो नहीं है यार, येलो पता नहीं तुम लोगों को लग रहा होगा, ये कैमल कलर बोलते हैं इसको, कैमल वाला कलर कहते हैं। यार तुमने तो दिल ही तोड़ दिया, मैंने इतने पैसे खर्चे इस कोट के ऊपर, तुम लोगों ने येलो कह के जो है वो दिल ही तोड़ दिया हमारा। बार कैब जनाब, साथ साथ आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
और सासन म्यूजिक का सिलसिला भी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अशर बिन तारिक फ्रॉम लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया अशर तुम्हारे मैसेज के लिए। और शानी वाई, यू डिड नॉट विश टू माय कजन हैप्पी बर्थडे। जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बिलाल। अस्सलाम वालेकुम त्रेड़ा वान तलगंग से भाई जान, आपको बहुत सारा सलाम हो। अजहर काजमी हमारे साथ मौजूद हैं, हशमत अली हमारे साथ मौजूद हैं और पाक आर्मी से हमारे साथ हैं जनाब इमामुद्दीन चांडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि आप जो प्रोग्राम है वो एंजॉय कर रहे होंगे। वी डू हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? मैं फरहान बात कर रहा हूं, क्वेटा से। फरहान बात कर रहे हैं, फरहान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है जीशान भाई, आप सुनाए। आप करम अल्लाह का यार, शुक्र है मालिक का, बहुत एहसान है, आप सुनाओ। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा भाई जान, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। पिछले मैंने प्रोग्राम में कॉल की तो उनके पास टाइम था, एक छोटा सा मिली नगमा है अपने दोस्तों के लिए, वो पेश करना चाहता हूँ मैं। अच्छा मजे की बात है कि आपने जब वो कॉल की तो मैं प्रोडक्शन रूम में बैठा था और मैं सुन रहा था। ठीक है चले सुनाए यार, आप मेरे प्रोग्राम में सुना दें। मुझे मैं सुना सकता हूँ आपको? सर सुनाए, सर सुनाए, जिंदगी की अजियतें मेरे हिस्से में आई हैं तो एक अजियत से क्या करूंगा बच के मैं, प्लीज सुनाइए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, चली जो होगी शहादत का जाम पीकर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रजाए सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू यार, अच्छा पढ़ा तुमने यार, बहुत अच्छा पढ़ा। अपना बहुत ख्याल रखो, ठीक है, एंजॉय मारो लाइफ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। चलें यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेल गाइज, आप जरा थोड़ा सा गाना एंजॉय करें, मैं जरा इंस्टाग्राम वालों को हाय हाय टाई टाई बाय बाय कर गया। गाइज हम लॉन्च करा चुके हैं वापस, और इंस्टाग्राम वीडियो कर दिया हमने हैंड क्योंकि हमने देना था सिर्फ एक अदर झटका 5 मिनट का, और वो 5 मिनट का झटका जो है वो हमने दे दिया है। और जिन लोगों ने मिस कर दिया है और जिन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, खबरदार वीडियो तुम लोगों ने पोस्ट की। ये जो इंस्टाग्रामर्स हैं जिनकी आईडीज नहीं है, आईडीज बनाओ यार और पंक्चुअल रहा करो ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आए तो तुम लोगों को पता चल सके, ठीक है। चल नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो 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 जी, कैसे हो? करम अल्लाह का जानी, तू तो मेरी तरह ही फिट आदमी है यार, जॉली बंदा है, क्या करता है? मैं कुछ भी नहीं, बस कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा
और एजुकेशन कितनी हासिल की मेरे भाई ने? मैं भाग गया था एफएम में। यार काश मेरे भी पढ़े लिखे लिसनर्स होते, मैं भी उनके साथ पौड़ी करता। चलो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, पौड़ी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं वो बता दें, वो कर लेते हैं। आप गाना गाएं, मैं सुन लूंगा। पुराना हो गया, कुछ नया बता। नया नया कुछ आप ही करके दिखा दें। यार आपकी आवाज बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है यार। कैसे? दिल के बड़े करीब सी लग रही है आवाज, लगता है कि आवाज कभी दिल में रही है। दिल में रहने वाले बाहर नहीं निकलते। नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज कहीं दिल के किसी कोने में बड़े किसी अच्छे मकाम पर रही है, लेकिन दिल की दीवारों को बड़ी बेदर्दी से तार तार करके ये आवाज कहीं बाहर निकली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आवाजें मिलती हैं जिंदगी में, चेहरे भी मिलते हैं, आवाजें भी मिलती हैं। नहीं, तखयल में मैं किसको लेकर आऊंगा यार, तखयल में मेरे तखयल में इतने लोग आ चुके हैं कि मैं खुद अपने आप से जो है अब मिल नहीं पाता। वो जॉन एलिया साहब, बल्कि आई थिंक उनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी भी आ रही है, वो कहते हैं कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए बुला कर लाता हूँ खुद को। बार कैफ चले, जो भी है सुनाए, क्या चल रहा है लाइफ में? तो दुआ कर दिया करो। क्यों आप, क्या माशाल्लाह ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है, लेकिन फिर भी दुआओं की जरूरत रहती है ना दोस्तों। दुआओं की तो यकीनन जरूरत रहती है, लेकिन मेरे जैसे बंदे की दुआ का क्या करेंगे आप? दुआएं तो करते रहना चाहिए, किसी ना किसी करवाते रहना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यार, इंटेलेक्चुअल आदमी मालूम होते हो, मुझे ये बताओ कि गद्दार की सजा क्या होनी चाहिए? गद्दार अगर गद्दारी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर गद्दारी ना की तो मेरे ख्याल में उसको गद्दार गर्दाना भी नहीं जाना चाहिए। और बेवफाई की सजा क्या होनी चाहिए? बेवफाई अगर दो तरफा हो तो फिर क्या कहा जाए? नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ ना कि सजा होनी क्या चाहिए। अगर कोई कहे, अगर कोई कहे कि आप उस मकाम पर फाइज हैं मेरे लिए जहां पर मैं खुदा की रोशनी लेता या लेती हूं आपसे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये मकाम होता है। चलो मैं फॉर एग्जांपल अपनी मिसाल देता हूं, अगर मुझे मेरा जो मुर्शद है या जो मेरे जो रहनुमा है या जिनको मैं बड़ा मानता हूं, ठीक है, अगर वो मुझे वक्ती तौर पर कुछ ऐसी बात कह दें कि मुझे उनके लहजे में सख्ती मालूम हो या उनके रवैये में सख्ती मालूम हो, तो मुझे जाती तौर पर लगता है कि मैं तो कभी भी ये नहीं करूंगा कि अपने आप को उनकी बराबरी पर लाया जाए, क्योंकि मुर्शिद की बराबरी पर लाना रूहानियत के लिए दरवाजा बंद होने की पहली निशानी होती है। तो वैसे उस चक्कर में वैसे जनरली पूछ रहा हूं कि अगर बेवफाई की जाए तो उसका क्या हल, क्या निकलना चाहिए? नहीं बेवफाई उसको मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई आप अपना ये नहीं कि जिसको आप मुर्शिद कहते हो वो आपके अंदर इस तरह समाया हुआ होता है कि आपके जहन को हर वक्त होता है। मैं भी एक बात वो आपकी बात से बात कर रहा हूँ कि भी आप उसको मुर्शिद को अपने जहन से नहीं निकाल सकते, वो कहीं ना कहीं आपको हर वक्त याद आता रहता है। दूरी कई दफा हो जाती है, लेकिन दूरी उस सेंस में होती है कि कई दफा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, पर उसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि कोई बात ऐसी होती है कि इंसान को नहीं करनी चाहिए। मुर्शिद की बात भी कई दफा चुप जाती है मेरे ख्याल। मुर्शिद की बात क्या होती है? चुप जाती है इंसान को, समटाइम्स फील ऐसा हो जाता है कि यार ये मुर्शिद से बात कर दी है, हर बंदों में बैठा के ये बात कर दी है, मुर्शिद को नहीं करनी चाहिए थी बार। नहीं लेकिन देखें, आप जब किसी मुर्शिद से लाड भी किया जाता है ना, तो मुर्शिद से फिर नाराजगी भी हो सकती है मेरे ख्याल में, कहीं ना कहीं तो नाराजगी हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मुर्शिद नाराज हो जाए तो जो मुर्शिद उसको कह रहा है, यार बड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे गुफ्तगु हो रही थी यार, इतने अच्छे लेवल पे इंटेलेक्चुअल लेवल पे गुफ्तगु हो रही थी, बैलेंस ही खत्म हो गया। और इसको प्लॉट में से थोड़ा ज्यादा शेयर दिया करो यार। देख वे हो
चार पैसे वध दे देता करो यार दस खड़क दिखू है किते मत नानू माही ते नहीं आन वाला मेरा हाथ ते वेख वे रमली लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम जीशान नासर है रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है हंजू मेरे मिट्टिया ची कानू हाए रोलना है ओ रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है हंजू मेरे मिट्टिया ची कानू हाए रोलना है रू उठदा क्यों है सुख बुझदा क्यों है याद आंदा वेला छुटदा क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आन वाला मेरा हाथ के वेख वे रमलिया की कैंदे में लेख वे हो। अच्छा मजे की बात है कि मैं पिछले चंद दिनों वैसे ही अपना कैथारसिस कर रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग टू समवेयर ड्राइव कर रहा था और ड्राइव के दौरान अपना कैथारसिस ना किया करें नहीं तो मेरी तरह गाड़ी ठोकते फिरेंगे आप। नहीं मेरी ठोकी नहीं लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपना कैथारसिस कर रहा था तो वक्त बहुत अजीब चीज है यार। मतलब आज अभी क्या तारीख है 13 दिसंबर है मुझे आज भी याद है 18 दिसंबर 2013 आज से 5 दिन मजीद आप लगा लें 18 दिसंबर 2013 बुध का दिन मुझे दिन भी याद है ठीक 1 बजे प्रोग्राम OMG ओए मेरा गाना मैंने अपने रेडियो करियर का आगाज किया था ठीक आज से 8 साल पहले। मैं बड़ा यंग था एनर्जेटिक था आंखों पर माथे पर इतना बोझ नहीं था आंखें इतनी उस वक्त जो है वो सूजा नहीं करती थी काम का बोझ नहीं था बाकी मामलात नहीं थे जिंदगी उस तरह से हकीकत पसंदी के साथ देखी नहीं थी लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो उस तरह से सहे नहीं थे जिंदगी के मुकाबले किए नहीं थे। एंड देन ग्रेजुअली आप बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं आप जिंदगी में आते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि बहुत सारे मेरे लिसनर्स लिटरली बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है बहुत सारे लोगों के बच्चे हो गए हैं बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं ओ, ओ मेरा हाथ के वेख वे रमलिया की कैंदे में लेख। And it is so amazing यार कि टाइम कितनी जल्दी गुजरता है। मतलब 8 साल एक मुद्दत होती है यार 8 साल और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप लोगों की दुआओं से वालदैन की शफकत से कभी 8 साल में ऐसा दौर नहीं आया कि मैं कुछ ज्यादा देर के लिए कभी ऑफ एयर रहा हूँ। हाँ कभी कभार इश्क की ट्रॉफीज मिलती रही एक अदद लेटर मैंने अभी भी अपने कमरे में फ्रेम करके लगाया हुआ है बार कैफ इश्क की जो ट्रॉफीज हैं वो मिलती रही मुझे लेकिन कभी अल्लाह की रहमत जो है वो आप यकीन करें जब मुझे वो पर्ची मिली तो मैंने कहा कि ये पर्ची बकायदा तौर पर ना सिर्फ मैं अपने कमरे पे लगाऊंगा बल्कि मैं ये वसीयत करूंगा कि ये मेरे साथ मेरी कब्र में दफनाइएगा। मैं बता सकूंगा कि ये जनाब बकायदा स्टैंप लगी हुई पर्ची मेरे पास मौजूद है और ये किस लिए मौजूद है इसके ऊपर लिखा हुआ भी है मार कैफ। एनीवे हैविंग सेड दैट थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यार कि आप लोग इतनी मोहब्बत चाहत करते हैं करते आए हैं। ठीक है बाज दफा चूंकि मैं इंसान हूँ मैं बहुत सारी चीजें हो सकता है कि ऐसी कह जाता हूँ जो कि शायद आपकी तबीयत पे आपके आपके समातों पे गिरा गुजरती होंगी लेकिन आप एक बंदे को सुन रहे हैं और मैं 1000 से ज्यादा बंदों को सुना रहा होता हूँ
तो इसलिए अगर कभी कभार आपको कोई बुरा लग गया हो मेरी बात, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बाकी इस पे कोई दो राय मौजूद नहीं है और ना मुझे शायद इसको बताने की जरूरत है कि मैं आप लोगों से कितना मोहब्बत करता हूँ, और ना डेफिनेटली आप लोगों को मुझे ये साबित या करने की या बताने की जरूरत है कि आप मेरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट कोई एक साल पहले हमने ये प्रूफ किया है बड़े मजेदार तरीके से। आपको याद नहीं मेरे ख्याल से। वेल जनाब, यहाँ पर एक और चीज जो कि चूंकि मैं अभी बहुत सारे मुझे मैसेजेस इनबॉक्स में आना शुरू हो गए हैं, तो मैं ये बात बहुत प्यारे अंदाज में और अच्छे अंदाज में क्लियर करता चलूं कि एज आई सेड बिफोर दैट आई लव यू गाइस, एंड यकीन जाने राई के दाने के बराबर भी मेरे दिल में किसी भी हवाले से कोई आप कह लें गलत फहमी या गुस्सा या कोई ऐसी चीज के मेरे दिल में हो कि यार मैंने ये करना है, ऐसा नहीं है। ऑल दो कभी कभार अगर आप सुनते भी हो मेरे से प्रोग्राम में कुछ, तो वो जस्ट मैटर ऑफ द फैक्ट के, जैसे अभी मैंने कॉल बंद करने के बाद जो बात कही, जस्ट मैटर ऑफ द फैक्ट के आप लोग हंसते हैं, आप लोग खुश होते हैं, तो इसलिए दैट्स इट। अदरवाइज मुझे कुछ भी इस तरह का करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आई रियली वॉन्ट कि आप लोग खुश हों, जरा एक शुगर मिला लगे, एंड हैविंग सेड दैट मेरे दिल पे राई के दाने के बराबर भी किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी मौजूद नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन एक पर्सन, जस्ट वन पर्सन, और वो खातून है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन खातून को मैं माफ नहीं कर सकता जब तक वो खुद अपने आप को माफ ना करें। मेरा ख्याल से मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बेशुमार मौके देने के बाद उन्होंने वो काम किया जो कि मेरी जात से रिलेटेड नहीं है, हमेशा उस बात को तंज का निशाना बनाती रहीं जो कि मेरी जात से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है, इस दुनिया से अलग है। तो जब वो खुद अपने आप को माफ कर देंगी तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, उनके लिए भी राई के दाने के बराबर भी मेरे दिल में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जो अल्फाज उनके थे, जिस दिन पर वो अल्फाज उनके थे, मैं वो नहीं भूल सकता जब तक वो खुद उसको भूल के अपने आप को माफ ना करते हैं। बार क्या जनाब, एनीवे एक बज चुका है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है, हंजू मेरे मिट्टिया। यार ये बलोची गाना एक है, ये दिल चा दिला सिस्ता बलोची सॉन्ग है, इसको सुनते हैं कैसा म्यूजिक, आई होप अच्छा होगा, क्योंकि बलोची म्यूजिक जो है वो बड़ा मजेदार होता है, कमाल म्यूजिक होता है। अच्छा क्या मतलब है भाई, कोई बलोची है तो प्लीज बता दें। लाइमा मुस्कान इज सेइंग, आपकी फिंगर में जो रिंग थी वो किधर गई, वो रिंग इधर ही थी, मुझे अंदाजा था कि आप मेरे से कोई सवाल करेगा, क्योंकि लाइव में मैंने वो पहनी हुई नहीं है, मैंने उतार के रखी है, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने क्लैप करना होता है या डाइस पर जब मैं हिट करता हूँ तो लगती है। फिर रमला राजपूत इस सेइंग, याद है 20K, 20K नहीं थे 32K थे, मेरे से पूछा,
मिराकी एनसी कह रहे हैं यू आर द वन ऑफ द बेस्ट मीडिया प्रेजेंटर, थैंक यू सो मच मिराकी। राना नवाज मुल्तान से, भाई बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत मजा आ रहा है, सदा खुश रहो। किंजा फ्रॉम अटैक, इस्लाम अलैकुम जिशान भाई, कैसे हैं आप? सवाल पूछना है कि फीमेल का ज़ियारात पर जाना गुनाह है और कब्रिस्तान में जाकर दुआ मांगना, प्लीज इस बारे में बात कर दें। ओए होए, लेकिन बात यह है कि एक प्रोटोकॉल इस्लाम ने आपको बताया है, अगर आप उसके अंदर रहती हैं तो आप जहां चाहे जा सकती हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। वो प्रोटोकॉल क्या है वो हर मकातबे फिक्र का अपना अपना है, आप जिसको फॉलो करती हैं उसके जैद आलम से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। रुबीना फ्रॉम इस्लामाबाद, शान कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी सदा आबाद रखे। और बुले शाह का कलाम लगा दें, बुले शाह छोटा भाई है तुम्हारा, कहते हैं बाबा बुले शाह सरकार का कलाम लगा दें। कुरेशी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी ने भाई की लाइव सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो तो प्लीज भेज दे, कोई ना भेजना भाई। हयात आफरीदी सिंह 32.7 के आई गैस, ओए होए। लाइबा मुस्कान कह रही है हमारी उंगलियों में दर्द, बस ना एरा, बस ना उड़ो, और चोड़ी हो गई, मैं गल की कर देती नाली चोड़ी हो, हाथों में दर्द हो गई है, और कोई काम करते हाथों में दर्द नहीं हुई कभी, वहां बर्तन शर्तन धोते। मेरा समझ नहीं आ रही, मजा बड़ा आ रहा है, बीट बहुत फिट है यार। बस एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, एज अ बड़ा भाई कह लें, मतलब मैं ओवरऑल अब सबको कह रहा हूं, जितने भी जिशानियन सुन रहे हैं या लिसनर सुन रहे हैं, पहली दफा भी सुन रहे हो तो ये याद रखना, टिप दे रहा हूं, जिंदगी फिट हो जाएगी तुम्हारी। जिंदगी में जब आप किसी को कुछ कहें ना, तो ये याद रखें कि आपका उसके साथ ताल्लुक क्या है, ये हमेशा जिंदगी में याद रखना है। जितने यंगस्टर सुन रहे हो, रिलेशन में डेफिनेटली जाओगे, अभी भी होगे इधर, पता है मुझे जितने माशाल्लाह आप लोग नेक परवीन खातून हैं और खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी, सारे इक्का जय हो। जब भी आप किसी से गुफ्तगू करें तो याद रखें कि आपका उसके साथ ताल्लुक क्या है, और हमेशा जिसको आपने एक रिस्पेक्ट दी हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। और याद रखना कि जब तक आप बात करते नहीं है ना, तो वो बात आपकी गुलाम होती है, जब वो बात आप कर देते हैं तो आप उस बात के गुलाम हो जाते हैं। और कभी जिंदगी में ना सोचना कि तुम गुफ्तगू करोगे किसी के बारे में और वो उस तक नहीं पहुंचेगी, खुदा का कानून है, कुदरत का कानून है, अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं से होती होती खबर पहुंच ही जाती है, ठीक हो गया। तो हमेशा जिंदगी में जो है ये मेरी चीज पल्ले बांध लेना, जिसको कभी तुमने मकाम पर पहुंचाया और तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए हो, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते तुम्हारी उसकी मोहब्बत हो, तुम्हारी और उसकी मोहब्बत का जो मंबा हो, जो बॉन्डिंग हो, वो खुदा हो, खुदा रहा हो, तो हमेशा जिंदगी में याद रखना, कोई मकाम आ जाए चुप साध लेना, खामोश हो जाना, सोने के बन जाओगे। सदर सती कह रही है मेरा तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये आप अफसोस कर रही हैं या मतलब खुश होके बता रही हैं? एक गाना मिला है मुझे, और आजकल के दौर में तो बड़ा जरूरी है गाना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये गाना, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं ना आज के,
गाना बड़ा जरूरी है और मैं आपको बताया, आप गाना चलेगा आपको अंदाजा हो जाएगा गाना आजकल के दौर के लिहाज से क्यों जरूरी है। दिल तेनू दे बैठे हुण करिए ता की करिए। आजकल के दौर में अगर तुम्हें कोई कहे ना कि गड्डी तू मंगा दे ते तेल मैं पवांदियां, बल्कि लड़को तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक मशवरा है बड़ा अच्छा। जब तुम खुद ये काम ना कह सको कि यू नो हालात बड़े टाइट हैं, तो जब भी साथ बैठो ना उनकी गाड़ी में, उनको बिठाओ तो ये वाला गाना लगा दो खुद ही और साथ साथ गुनगुना के कहो, यार कहाँ होते हैं ऐसे लोग, कहाँ होती हैं ऐसी खवातीन, देखो कैसी मोहब्बत है, कितनी जबरदस्त मोहब्बत आजकल के दौर में नहीं होती। छह सात दफा कहोगे ना वो खुद ही कहेगी, अच्छा बात सुने, पेट्रोल का टैंक फिल करवाने हैं आपको, पेट्रोल भरवाने हैं पेट्रोल, बस तूने उस टाइम ना, अरे नहीं नहीं क्या हो गया गाना ही है, ऐसे करते करते बस तू ले जा वहाँ पे, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। टेंशन ना ले यार, वो जो तेल डलवाएगी गाड़ी में वो निकल आएगा तेरे से, मतलब खाने पीने की सूरत में निकल आएगा। या शाकिर खार मान गया, खुददार तो हत बदवाए नहीं, या शाकिर खार मान गया, खुददार तो हत बदवाए नहीं। आपने ये शायरी को याद रखना है, और जब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात होंगे, कोई आखिरी 10-15 मिनट होंगे, तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है आपने शेर पढ़ा था और क्यों पढ़ा था, ये बताएं मुझे, ठीक है। तो मुझे पता है अभी आप इसको रिलेट कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन आपने मुझे याद करवाना है, जिशान भाई आपने ये शेर पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था। मतलब आंखों में कोई नजर आ जाए किसी के, आंखें ना हो गई, शीशा हो गया, होता है वैसे, मतलब सहेलियां देख ली यार, सहेलियां सहेलियों को बहुत अच्छा जानती हैं। यही वजह है कि मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि मैं तुम लोगों की मुश्तरका सहेली हूँ। वेल जनाब, मीनवाइल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अब आपके मैसेजेस मैं पिक करूंगा इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जीशान नासिर 26 लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, ZEESHANNASIR26 जीशान नासिर 26, इसके ऊपर आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस ऑन एयर पढ़ रहा हूं।
अक्सा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, किरण राहील इज देयर, आयला हसन इज देयर, सईदा हिना इज देयर, दुआ शेख इज देयर, हलीमा इज देयर, महीन फातिमा इज देयर, फिजा अली इज देयर, जारा मलिक इज देयर, एमन इज देयर, वरीशा इज देयर, युश्रा इज देयर, इमान फातिमा इज देयर, अरीज तनवीर इज देयर, सना इकबाल इज देयर, सोनिया हमारा नाम है. ओके सोनिया, मैंने आपका नाम ले लिया. इट्स अमन, कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज गाइड कर दे, मैं बाद में देख के गाइड करूंगा. तैयब जाफरी हमारे साथ हैं, मिराह काजमी हमारे साथ हैं, निमरा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक शुजात हमारे साथ हैं, टाइगर वन हमारे साथ हैं, अलीशा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ साथ जारा मलिक हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, मरिया मुकद्दस हमारे साथ हैं, सारा खान हमारे साथ हैं, अमेजिंग कॉमल कह रही है हमेशा की तरह जबरदस्त शो, थैंक यू जी, जवेरिया कद्दीर हमारे साथ हैं, सारा खान इज देयर, यदि नाराज नहीं है तो फिर हमारी बात मान लें, क्या बात मान लूं, इफ इट इज रिलेटेड टू ग्रुप्स मैं फिर आपको लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इन चीजों के ऊपर मजीद ना टाइम जाया करना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ, लेकिन सिलसिला ये है कि ग्रुप बिल्कुल भी ओपन नहीं होने चाहिए दोबारा. एटलीस्ट आप इसको मेरी विश कह लें या रिक्वेस्ट कह लें, क्योंकि मुझे अंदाजा है जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों ओपन हुआ, मैंने मना नहीं किया, मैंने रोका नहीं, मुझे यही था कि चलें आप लोगों ने खोल लिया तो ठीक है, फन एक्टिविटीज जारी है, लेकिन वहां पर फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों को खराब करना शुरू कर देती हैं, जो कि मैं नहीं चाहता. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको जो फन मस्ती करनी होती है आप मेरे पेज के ऊपर जाकर कर लें, कहते हैं तो मैं आपको अपना पासवर्ड दे देता हूँ, मेरे इनबॉक्स पे जाके मस्तियां कर लें. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपना फेसबुक का और इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड दे देता हूँ, वहां पे जाके जो आपने पोस्ट करना है, जो बातें करनी वहां पे कर लिया करें, अगर बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं आपको, अदरवाइज ग्रुप्स में ये चीज ना करें. मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि मुझे अंदाजा है ये चाहते हुए या ना चाहते हुए होगा, क्योंकि ग्रुप में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जहां पर लोग एक दूसरे से गपशप करते 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 उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहां पे उनको अंदाजा नहीं होता है. ठीक है, ख्याल से इससे ज्यादा इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया. इससे ज्यादा आप बात करने को मुझे कहेंगे तो फिर मैं सारी मैंने अच्छाई और लव यू आपसे कहा, मैं सारा वापस ले लूंगा तुम लोगों से. अच्छा बहरहाल यार, अभी मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज देखा कि निशान भाई, मैं आज एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने एक स्पीकर का नाम लिखा, मैं वो नाम नहीं लेता क्योंकि वो वीडियो मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं जल्दी उस कॉन्टेक्स्ट को समझ गया हूँ कि वो किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं. मुझे यही डर रहता है हमेशा जो हमारे न्यू लॉट है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, जब वो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उनको चाहिए कि वो कहें कि जनाब हमने ये स्टडी किया है, आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं. ख़ास तौर पर जब इस्लाम में किसी रूलिंग की बात हो, ठीक है, आपके इश्क की बात हो, आपके अकायद की बात हो, आपके जज्बे की बात हो, आपकी अपनी सोच की बात हो, आप जो चाहे करें, लेकिन जब आप ये कहें कि जनाब इस्लाम की रूलिंग इसके ऊपर ये है, तो बिल्कुल भी ये ना कहें कि जी ये ऐसे ही है. आप ये कहें कि मैंने ऐसा पढ़ा है, आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करके देख लें. जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कहा यह गया है कि आप इस्लाम में अपने बुजुर्गों के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, अपने रिलेटिव्स की इज्जत में भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम में ये मना है. और उन्होंने एक वाक्य का भी रेफरेंस दिया कि जिसमें लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब खड़े हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमा दिया. अब यहाँ पर इतनी बड़ी रूलिंग दे दी गई कि जनाब ये मना है. बहुत सारी चीज़ें, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोका और मना है या नहीं है. तो सीन ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों में इस्लाम की तबलीग को आम किया, लोगों की जानिब हक का पैगाम लेने गए और देने गए, तो बहुत सारे लोग अजायबुल अकीदा थे, यानी कि अजब अकीदे उन्होंने बना रखे थे. जैसे फॉर एग्जांपल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और आते ही उनको सजदा कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि क्या कर रहे हो. तो उसने कहा कि जी मैं जहां से आया हूं वहां पर हम अपने बड़ों को इज्जत देने के लिए उनको सजदा करते हैं. तो अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि ये काम मत करो, ये सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है. अल्लाह के अलावा अगर मैंने किसी को इजाजत देनी होती तो मैं कहता कि जो बीवी है वो शोहर को करेगी, लेकिन
सजदे की इजाजत नहीं है और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा है, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी मना फरमा दिया तो फिर किसी के लिए तो जवाब पैदा होता ही नहीं है। तो उस वक्त चूंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अकायद उनके तब्दील हो रहे थे, वो न्यू दाखिल हो रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत माइनर चीज़ों से भी उनको हटाया। यानी कि वो रादर देन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह प्रेज करने लग जाएं या आम अल्फाज में उसी तरह पूजना शुरू कर दें जिस तरह वो पहले अपने बड़े लोगों को करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको कहा कि मुझे एज अ ह्यूमन देखो, अल्लाह के मैसेंजर के तौर पर देखो, और जो पैगाम मैं दे रहा हूँ, ये बहुत बारीक बात है, इसको समझने की कोशिश करें कि जो अक्सर रेफरेंस दी जाती है इसके ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पैगाम मैं दे रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस रखो, बजाय इसके कि तुम मुझे प्रोटोकॉल देना शुरू कर दो, बजाय इसके कि तुम मुझे उसी तरह प्रेज करना शुरू कर दो या पूजना शुरू कर दो जैसे तुम पहले अपने बड़ों को करते आए हो या करते रहे हो, तो मुझे एज अ ह्यूमन लो, अल्लाह के मैसेंजर के तौर पर लो, और जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ अल्लाह का, उस पैगाम को पढ़ने की, समझने की, गौर करके अमल करने की कोशिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को उन हालात के ऊपर ये इरशाद फरमाया। अब इसका दूसरी साइड देखते हैं, अगर ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है कि आप किसी के लिए भी खड़े ना हों ताज़ीम में, ये मना है, तो फिर मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप किसी भी मकातबे फिक्र के आलम दीन से पूछ लें, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा तो ज़ारा सलाम अलैहा आया करती थी तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे या नहीं? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब मसला यह है कि जो स्पीकर होता है बोलने वाला, वो क्या करता है कि वो एक रूलिंग पास कर देता है कि ऐसा है ही नहीं। अब जब नौजवान नस्ल उसको, जो कि ऑलरेडी बेचारी इतनी घुमर घेरे में फंसी हुई है, अब वो जब सुनती है अच्छा है ही नहीं, फिर वो आगे से कोई ऐसी रेफरेंस भी दे देता है जिसमें लिखा होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि जब मैं आऊं तो खड़े ना हो, तो वो कहता है अच्छा ये नहीं है। फिर वो ना अपने बाप की इज्जत करता है, ना वो अपने बड़े भाई की इज्जत करता है, ना वो अपने शागिर्द की इज्जत करता है, ना वो अपने मुर्शिद की इज्जत करता है, ना अपने रहनुमा की इज्जत करता है, ना किसी बाहर बंदे की इज्जत करता है। वो कहता है जी अल्लाह के नबी ने जब मना फरमा दिया। तो ऐसा नहीं है, जब भी आप कोई हदीस पढ़ें, कोई वाकया पढ़ें, तो उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें कि वो किस मकाम पर, किस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई ये बात कहे, जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो उसको कहिएगा कि आप फिर मुझे ये बताएं कि जो ये अहदीस कोट की जाती है हर मेंबर से, हर मकातबे फिक्र का बंदा इस बात को मानता है और फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की ताज़ीम में खड़े हो जाते थे, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकियों को मना कर रहे हैं और खुद खड़े हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो डेफिनेटली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नहीं करते थे, ताकि उनको देखकर जो बाकी लोग हैं, जो सहाबा किराम हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उनके साथ जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, वो ना करें, ताकि उनके बाद ऑब्वियसली हमने उनको फॉलो करना था। तो ये हो गई बात सिंपल। तो इसलिए हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्टेक्स्ट में कही हैं, कुछ जगहों पर कही हैं, उन जगहों पर उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर गिविंग द रूलिंग। अब आते हैं जनाब, मुझे एक थैंक यू करना था आप लोगों को, और बड़ी बात है, मैं प्लेजेंटली शॉक्ड इसको कहूँ या व्हाटएवर, टूट गया जी, नहीं टूटा नहीं है, अच्छा हाँ, तो मैं प्लेजेंटली शॉक इसको कहूँ या बड़ी चले हैरानी की बात है कि आप लोगों को डेट भी याद थी, दिन भी याद था। बिल्कुल जनाब, चूँकि 13 दिसंबर शुरू हो चुकी है और दिस डे हैज़ बिन मार्क्ड विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नानो, बल्कि मैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक साल पहले जब वो इस दुनिया से गई थी, तो मैंने उस रात भी प्रोग्राम किया था कि, और पूरा प्रोग्राम करने के बाद, जैसे आज मैंने पूरा प्रोग्राम किया, तो बिल्कुल एंड पे आखिरी इन्हीं लम्हात में मैंने आपके साथ इस न्यूज़ को शेयर किया था कि आज मैं उस औरत को दफना कर आ रहा हूँ जो कहा करती थी कि पुत्र तेरियां ते अखां दा ही कोई मुल नहीं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन जाने एक साल के बाद भी इवन मेरे अल्फाज, मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, कि वो सुबह मेरे लिए इतनी मुश्किल थी कि जब मैं ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे मैं कहीं से पहुंचा था, कहीं इवेंट था और मैं घर पहुंचा था, सुबह 7 बजे मुझे मेरे कज़न की कॉल आई कि जिशान भाई दादू की डेथ हो गई है, उनकी वो दादू लगती हैं, तो उनके दादू की डेथ हो गई है। तो मैंने पहले 10-15-20 मिनट तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ख्वाब है, रियलिटी है,
क्या है, मैं इसके ऊपर रिएक्शन क्या दूं, मुझे रिएक्शन भी समझ नहीं आया। तो खैर उसके बाद जो सबसे मुश्किल लम्हा मेरे लिए था वो ये था कि मेरी वालदा जो है वो दूसरे कमरे में सो रही थी और मुझे उनके पास जाना था और उनको एक खबर देनी थी कि अम्मी नानो जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रही और अभी हमें उनके पास जाना है। आप यकीन करें कि मैं उस दिन आप यकीन करें कि मैं एक दफ़ा उनके रूम में गया, मैं वो मासूम सा चेहरा मेरी वालदा का जिसको मैं रोज़ यकीन जाने, क्योंकि मैं बड़ा ना बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं लेकिन मैं बड़ा अजीब सा मेरा एक करेक्टर है कि मैं वालदा सो रही होंगी तो मैं उनको मतलब गुदगुदी और इस तरह मेरा एक ऐसा करेक्टर है कि मैं उनको थोड़ा सा छेड़ता सा रहता हूँ, थोड़ा सा तंग सा करता रहता हूँ। तो वो बल्कि वो अक्सर मुझे कहती हैं कि तू कदों वड्डा होएगा तू। तो मैं एक दफ़ा उनके पास गया, मैंने उनका चेहरा देखा, मैं फिर लौट आया अपने कमरे में। मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी वालदा को उठाऊँ और मैं उनको बताऊं कि क्या हो गया। फिर मैं 10-15 मिनट के बाद मैंने पानी पिया, मैं फिर गया, फिर मैंने अपनी वालदा के पांव तक गया, मैं उनको जगाने लगा, फिर जगा नहीं पाया। तीसरी बार जब मैं गया तो बाखुदा जैसे मैं करीब हुआ तो एकदम उनकी आंख खुली और उनका पहला जुमला ये था, मुझे आज भी याद है कि ज़िशान पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई नुकसान सा हो गया, यकीन करें मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं खैर उस वक्त जो मुझे बेहतर समझ में आया मैंने कहा जी वो मामू का फ़ोन आया और नानू की तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि नानू जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आई सेड हर कि चलें मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप जल्दी से बस दुपट्टा वगैरह चादर कर लें, शॉल कर लें और हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मेरी वालदा उठी फटाफट और मेरी अम्मी ने पूछा कौन से हॉस्पिटल में है, तो मैंने जल्दी में एक नाम ले लिया उस हॉस्पिटल का। तो जब रास्ते से उस हॉस्पिटल को हमने क्रॉस किया तो मेरी वालदा कहती हैं कि हॉस्पिटल तो ये है, तो मैंने कहा वो तबीयत कुछ संभल गई है तो उनको घर ले गए हैं। घर जाने के बाद बस जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि अम्मी कहाँ हैं तो बस वो मामू ने उनको बता दिया एंड देन मैं बैठ गया एक साइड पर। बहरहाल अल्लाह ताला मेरी नानी माँ को गरीक रहमत करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेज मुझ तक पहुँचा था, शायद मैं जिक्र ना करता इस चीज़ का इतना बिकॉज मैं आप लोगों को सैड नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि मैसेज मुझ तक पहुँचा था तो मैंने कहा चलें इस थैंक यू नोट के साथ मैं थोड़ा सा ताज़ा भी कर लूँ उस याद को। जरशिल अली, सारा अली जई, हिजाब ज़ैनब, विशाल खान, अक्सा हुसैन, माहीन अरशद, सोबिया मुनीर, अक्सा अब्बास, सैयदा उफक शाह, ज़ारा मलिक, महीन फातमा, हयात, रमशा खोकर, सैयदा उफक शाह, इन्होंने मिलकर कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है और मेरी नानी की साले सवाब के लिए पढ़ा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक कुरान जो है वो अक्सा हुसैन की जानिब से पढ़ा गया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसकी जजाए खैर अता करे और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको अजर अता करे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं यही कह सकता हूँ। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब भी मैं नानी के पास बैठा करता था तो चूंकि मेरे मोस्टली कज़न्स जो हैं वो यंगस्टर्स ही हैं, ऑल दो कि मेरे से छोटे हैं 2-3 साल, लेकिन ज़ाहिर है आज का दौर ऐसा है कि छोटे भी बिल्कुल यू नो तैयार हैं। तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि ज़िशान भाई आ जाएं ये करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जब कभी इकट्ठे होना। तो मैं अक्सर अपनी नानी के पास ही बैठा रहता था क्योंकि कम जाना होता है, बहुत कम टाइम मिलता है कहीं जाने का। तो जब मैं जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो टाइम है वो मेरी नानी के साथ गुजरता था। बल्कि यकीन माने कि मेरे कज़न्स या मामू मुझे इवन छेड़ते हैं, वो कहते हैं कि जब हम बैठे होते थे तो कहते थे किधर हैं, तो कहते थे वो दोनों बूढ़ी रूहें आपस में बैठी हैं, क्योंकि उनको भी बहुत शौक था ये जो शेर व शायरी है, सूफ़ी शेर व शायरी है, जो सूफ़ी कलाम है, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत शौक था और मैं उनको सुनाया करता था। मुझे आज भी याद है वो एक कलाम मेरे से बड़ा ज़रूर सुनती थी, एक कलाम के अशआर हैं कि बस कर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, बस कर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी जिंदगी दुख नहीं मुकणे वरका रह गया थोड़ा। तो ये जब मैं पढ़ा करता था तो वो अक्सर कहती थी कि वाकई मेरा वरका थोड़ा रह गया। तो हम जाहिर है इंसान जैसे कहता है तो हम कहते थे कि खुदा का खौफ किया करें, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं। अब यकीन करें कि एक कलाम था, मैं उसकी चंद लाइंस आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ।
जब भी मैंने जाना, चाहे मैंने किसी की फंक्शन में जाना और उधर मेरी नानी से मुलाकात होनी या उनके घर जाना या उन्होंने हमारे घर आना, तो चाहे एक घंटे के लिए क्यों ना आए, मैं अगर उनको मिल जाता हूँ कहती पुत्र वो जरा चंद लेना मैंने सुना जा। जब वो चली गई इस दुनिया से, ट्रस्ट मी, मैं एक दिन वो कलाम ख्वाब में पढ़ रहा था और ख्वाब ही देख रहा था कि नानी इज देयर, मैं वही कलाम पढ़ रहा हूँ और एकदम मेरी आँख खुली तो बा खुदा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि वही कलाम के जो अल्फाज हैं मैं दोहरा रहा था, मेरी जुबान पे वो चल रहे थे। तो खैर दैट वाज, इसलिए कहते हैं कि जिस्म मरता है रूह नहीं मरती। तो वो था कि पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा सारे सुनाओ और रल के लगाओ, हो नारा अलीदा, पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा सैयदा दा शौहर, बिस्मिल्लाह, हो जहरा दा शौहर ते पीरा दा पीरे, जहरा दा शौहर ते पीरा दा पीरे, हो मैं क्या दसेवा केड़ा अमीरे, हो मैं क्या दसावा केड़ा अमीरे, तैतुल सरा तो अरशे ओला तई सारे दा सारा, सारे दा सारा हो रकबा अली दा, पढ़दा कसीदा विसर गई हर शय, सानू तेरे टुरन दी पै गई। विसर कहते हैं कि मैं भूल गया उस हर चीज को जो उस वक्त चल रही थी जब तेरे जाने की खबर मिली। विसर गई हर शय, सानू तेरे टुरन दी पै गई।
बातों को तराजू की तरह तोलने वाली, बातों को तराजू की तरह तोलने वाली, भाई की शहादत की गिरा खोलने वाली, तारीख की आंखों में हया घोलने वाली, वो फातिहा खैबर की तरह बोलने वाली, इस्लाम को रोशन बसद एजाज किया है, अब्बास के परचम को सरफराज किया है, इस्लाम का सरमाया तस्कीन है जैनब, ईमान का सुलझा हुआ आईन है जैनब, हैदर के खदुखाल की ताजीन है जैनब, शब्बीर है कुरान तो यासीन है जैनब, ये गुलशने असमत की वो मासूम कली हैं, ततहीर में जहरा हैं, तहवर में अली हैं, गुलशने इसमत की वो मासूम कली हैं, ततहीर में जहरा हैं, तेवर में अली हैं। पल विच माही हो गया ओले, बिल्कुल वाकई पता नहीं होता। अभी चंद दिन पहले आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स, तो मुझे खबर मिली, अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और बहुत बहुत करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, मैंने कुछ काम किया उनके साथ, बड़े अच्छे आदमी थे, सैयद भी थे और आदिल नाम था उनका। अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, मुझे अचानक खबर मिली, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, तो अचानक मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया, यार आदिल भाई की डेथ हो गई है। मैंने कहा कौन आदिल भाई? जब उसने नाम, मैंने कहा यार आर यू सीरियस? तो ही वाज लाइक, थोड़ी देर में उसने वो मुझे वीडियो भेज दी, कराची में खैर उनकी डेथ हुई थी। तो अभी पिछले साल ही मैंने उनके साथ एक बड़ा जबरदस्त रिंग ऑफ पाकिस्तान के नाम से बड़ा एक फेमस इवेंट हुआ था, मैंने उसको होस्ट किया, तो उसमें जो क्लाइंट था ना, क्लाइंट की कोशिश होती है कि यार कुछ अच्छे से अच्छा फुटेज मुझे मिल जाए, तो यू नो जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी भी कोशिश ये होती है कि अच्छा सा अच्छा फुटेज बनाकर क्लाइंट को दे दें, ताकि वो पैसे जरा जल्दी दे दे और खुश होके दे दे और फिर अगली दफा काम भी दे दे। तो उस चक्कर में आर्टिस्ट जो होता है वो बेचारा पिस जाता है, पिस जाता से बात यह है कि मतलब उसको रगड़ता है बहुत ज्यादा कि परफॉर्म अच्छा करो, ये करो वो करो, लेकिन ऑब्वियसली नखरे भी उठाते हैं, तो ये वाइस वर्सा होता है, तो यू नो रेसिप्रोकेट हो जाता है दोनों तरफ। तो खैर आदिल भाई थे नहीं उस वक्त ग्राउंड में, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, तो वो जो क्लाइंट था वो मेरे पास, उसने कहा यार मुझे ना कोई ऐसा शॉट चाहिए जो मजा आ जाए, जो शो रील हम जब बनाएं, शो रील बनाएं तो शो रील के स्टार्ट में हमने वो शॉट डालना है और तुमने मेरे ब्रांड का नाम लेना है, कोई ऐसा करो कि मतलब मजा आ जाए। मैंने कहा सर मैं स्टेज पे जाके ऊंचा साहब का नाम लूं? कहते नहीं यार वो तो कर रहे हो कल से, यार कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करें, क्राउड से आपका नाम बुलवा लेता हूं, मैं जो है वो बोलता हूं तो क्राउड मेरे साथ साथ बोलेगा, तो वो एक बड़ा। कहते नहीं यार ये भी तुमने कल करवा लिया। तो मैंने कहा सर फिर क्या करूं, आग लगा दूं खुद को? यकीन जाने मैंने उसको ये कहा, लेकिन मैंने कहा जरा फनी में था तो हंस पड़ा आगे। तो कहता नहीं नहीं यार कुछ करो। मैंने कहा ऐसा है सर, वो सामने जो ट्रक है ना, वो उसमें लाइक वो था कि आपने रस्सी के साथ उस ट्रक को खींचना है एंड ऑल दैट, वो बड़ा जबरदस्त एक कंपटीशन था। तो मैंने कहा सर वो जो ट्रक है ना, मैं उस ट्रक के ऊपर खड़ा होता हूँ, आप उस ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, और मैं क्या करूंगा कि मैं बिल्कुल ट्रक के ऊपर लेट के एंड देन फिर एकदम मैं उठूंगा और मैं यू नो जब स्लोगन को चैंट करूंगा तो लोग बड़ा एक्साइटेड होकर देखेंगे भी और चैंट भी करूंगा। हाँ यार ये बड़ा अच्छा है, शॉट भी बड़ा अच्छा आएगा। उसने ड्रोन श्रॉन सेट कर लिए ऊपर सारे मामला। तो वो जैसे ही ट्रक ने पास किया ना, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो जो लाइट्स लगी हुई है ऊपर वो बहुत करीब लगी हुई हैं। आप यकीन करेंगे जब मैं लेटा था, तो जब वो ट्रक क्रॉस हुआ, और जाहिर है वो अब ट्रक ऊपर होता है, मैं अब ड्राइवर को भी नहीं कह सकता भाई रोक रोक रोक, मेरा मुंह फंस गया। तो वो मैं लेटा रहा और यकीन जाने कि बिल्कुल शायद 2-3 सेंटीमीटर का फर्क होगा मेरे और उस लाइट के दरमियान, और लाइट जब चलती है उसकी जो एक वैसे उसका जो वॉट्स होते हैं, जो उसकी हीट होती है,
तो आप यकीन करें वो बिल्कुल आप एक आध सेंटीमीटर से मैं बचाऊंगा, और चूंकि मेरा पूरा फेस का मामला था, वो बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर से वो लाइट गुजरी। तो खैर जब मैंने वो स्टिल रहा, मैंने अपने नर्व्स को काबू में रखा, मैं जरा वो बोंद लाया नहीं। अगर मैं घबरा के यूं यू नो करने लग जाता तो मे बी वो ट्रक को आगे नीचे करता, ऊपर नीचे करता, तो शायद तब लग जाती, या मैं उठता हिलता तो लग जाती, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही मामला था। सो बहरहाल जब मैंने वो शॉट दिया, शॉट बड़ा बेहतरीन हो गया। आदिल भाई थे नहीं उस वक्त जब मैं नीचे उतरा ट्रक से, वो उसने कहा, वो क्लाइंट ने कहा, वाह भाई वाह क्या शॉट दिया भाई, वाह भाई वाह वाह भाई। इस साइड से आए हुए थे, समंदर वाली साइड से। जी जी मेरे प्यारे कराची से। अरे वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, वाह भाई वाह। मैंने कहा चल तू खुश हो जा, साड़ी खैर है। तो इतनी देर में आदिल भाई अंदर आए, तो उसको शॉट उसने बड़े ना खुशी से दिखा, अबे आदिल इधर आओ यार, तुम्हारे अबे तुम्हारे लड़के ने क्या शॉट दिया। तो आदिल भाई खुद भी कराची से थे, तो उन्होंने वो शॉट देखा और जाहिर उनको अंदाजा हो गया ड्रोन कैम से कि कितना फर्क था लाइट में और मुझ में। तो लाइक अबे जिशान बावला हो गया तू यार, अबे छोड़ यार मैं बाहर क्या गया हूँ, तू इनकी बात, अबे बावला हो गया था क्या तू यार, क्यों किया तूने ये। आई वाज लाइक कोई बात नहीं आदिल भाई, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो इश्यूज। तो खैर बहरहाल क्या पता कोई ऐसा टाइम आए कि मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरी आवाज को महफूज कर लो कि मेरे बाद सन्नाटा बहुत है। हाँ कि जाने देर एंड दिस। अच्छा कमेंट में सईद अफक शाह ने कोई कमेंट किया है, तो नीचे हसनैन इस्माइल नाम के कोई साहब हैं, उसको कहते हैं इनबॉक्स आओ, कम इनबॉक्स। और भाई इन अ डोमेस्टिक रिलेशन, इन अ डोमेस्टिक पार्टनरशिप, ये कौन सी पार्टनरशिप होती है जो डोमेस्टिक पार्टनरशिप होती है और इनबॉक्स में आगे बताई जाती है, हमें भी बताओ थोड़ी सी यार, हम भी डोमेस्टिक पार्टनरशिप करें। और डिलीट कर गया बेचारा यार। और भाई जान ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जी आरे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जी आरे। Lionware Music Box. Well, जनाब इनबॉक्स साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, और इनबॉक्स में एक मैसेज आया है कि जिशान भाई जो आपके हाथ में रिंग हमेशा होती है वो उसके बारे में कुछ बता दें यार, जितना मेरे ख्याल से आप लोगों को वो रिंग पसंद है ना। अब अगर किसी ने मेरे से सवाल पूछा मैं वो अंगूठी उतार के पहना दूंगा हाथ में।
यकीन जाने मैं हकीकत बता रहा हूँ, आजकल वैसे भी मैं बड़ा दयालु हुआ हूँ। सर मैं तो नमाज के बाद आपकी नानी माँ के लिए दुआ करती हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। सलाम निशान, क्या हाल है? शो अच्छा है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। आयशा सैयद क्विटा से। अस्सलाम वालेकुम त्रेड अमान। दोबारा अब्दुल नूर हमारे साथ हैं, हाशमी बिलाल गंज लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम भाई चांद बीबी फ्रॉम रावलपिंडी। रुबीना फ्रॉम इस्लामाबाद। बिल्कुल जनाब, मुझे याद है मैंने कहा था कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने कुछ इशार पढ़े हैं, तो मैं जब जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा कि मैंने वो इशार क्यों पढ़े। उस वक्त अगर आप सुने तो शायद आपको लगे कि कोई आशिक अपने महबूब से कह रहा है कि मैं कितना खुददार हूं और तूने मेरे हाथ जुड़वाए अपने सामने एंड ऑल दैट स्टफ। बट जब भी मैं ये अशार पढ़ता हूँ या कहीं सुनता हूँ तो मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो वक्त याद आता है कि जब वो अपने 6 माह के बच्चे को तपती रेत पर रखते हैं और सामने मौजूद लईन फौजियों से कहते हैं कि तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लो इस बच्चे को रख कर मैं पीछे हट रहा हूँ, तुम इसको पानी पिला दो और यहीं पे रख दो, मैं इसको दोबारा उठा लूंगा। अगर तुम्हें हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये लो मैं अपने बच्चे को तुम्हारे सामने रेत पर रख रहा हूं, तुम इसको पानी पिला दो, मैं इसको दोबारा उठा लूंगा। हिया शाखिर खार मान गया। या शाकिर खार मान गया, खुददार तो हत बदवाए नी। We'll be right back.
खत्म जिंदा रहना है थे मैं वांगू करो वफादारी हुसैन दी। वेल जनाब मेरा नाम जीशान नासिर है, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। मेरा नाम जीशान नासिर है। प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहें तो बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है मुझे आपके फीडबैक का। फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने के लिए आप जीशान नासिर लिखेंगे इंस्टाग्राम पे जाके, और एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 जीशान नासिर 26। यहां पर जाने के बाद आप मुझे मैसेज के थ्रू अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक के ऊपर जीशान नासिर लिखें, मेरा फैन पेज आपको मिल जाएगा, उसकी भी एग्जैक्ट यूजर आईडी यही है ZEESHANNASIR26। वहां पर भी आप मुझे मैसेज करके अपना फीडबैक दे सकते हो। इसके अलावा अगर ईमेल करना चाहते हो तो zeeshannasirlive@gmail.com 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 यहां पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। एक कलाम प्ले करेंगे और उसी कलाम के दौरान मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, कुल्ले ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में भी मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है मांग जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाँ ना दाओ साडा ज़मन। दिस इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। अली फखरे बनिया दम, अली सरदार इंसो जफ, अली सलवर, अली सफदर, अली शेरे सफे मैदा, अली हादी, अली इमाम, अली लुत्फो, अली एहसान, अली हिकमत, अली शाफी, अली दारू, अली दरमा, अली रूहो, अली कश्ती, अली दरिया, अली साहिल, अली आलिम, अली आदिल, अली फादिल, अली कामिल, अली काबा, अली क़िबला, अली मस्जिद, अली मिंबर, अली आका, अली मौला, अली सैयद, अली सरवर, अली ईसा, अली मूसा, अली खिज़्र, अली यहया, अली हिर्ज़ो, अली क़ुर्रा, अली यासी, अली ता, अली वाकिम, अली आदिल, अली जन्नत, अली तूबा, तू ही सरवर, तू ही साहिबा।